जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज सपोर्ट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये क्लास आने वाली एसएससी सीएचएसएल के आने वाले एग्ज़ामों के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एक, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी के आंध्र प्रदेश। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दो, चेरोकोन कहाँ की लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर दो का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी के मिजोरम। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर तीन, लाई हरिबा लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मिजोरम, या फिर ऑप्शन डी नागालैंड। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर तीन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी के मणिपुर की। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चार, कुमिनागा लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, या फिर ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चार का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी के नागालैंड की। इसी के साथ क्लास को बढ़ाते हैं आगे और चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पाँच, लोक नृत्य लंबाड़ी किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर पाँच का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी के आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर छः, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, या फिर ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छः का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी के पश्चिम बंगाल। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सात, कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो साथ ही हमारे क्वेश्चन नंबर सात का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी के पश्चिम बंगाल। इसी के साथ क्लास को बढ़ाते हैं आगे और चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आठ, गिद्धा को की एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो साथ ही यह तो बहुत ही आसान सा जवाब है ऑप्शन ए, यानी के पंजाब। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नौ, जटा जटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। तो साथ जैसे कि आप सभी जानते हैं, क्वेश्चन नंबर नौ का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी के बिहार का। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दस, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात,
ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों, नौटंकी है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य, तो हमारा इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लावणी महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसी के साथ क्वेश्चन बी सही होगा। और अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि झारखंड का। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चा नगमा किस राज्य के पुरुषों का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी गुजरात। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ क्लास को बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, तेरा ताली लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल का, ऑप्शन बी राजस्थान का, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का, या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु का। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान का। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी झारखंड, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, तो साथियों यह है ऑप्शन ए, यानी कि गुजरात का। इसी के साथ चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, कर्मा लोक नृत्य भारत के किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि छत्तीसगढ़। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, लोक नृत्य बैसाख बिहू प्रचलित है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी ओडिशा में, या फिर ऑप्शन डी झारखंड में। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि असम में। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान का निम्न में से कौन सा प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन ए गरबा, ऑप्शन बी गिद्दा, ऑप्शन सी घूमर, या फिर ऑप्शन डी बिहू। तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, गिद्दा पंजाब का है, घूमर राजस्थान का, और बिहू असम का। तो साथियों, इसीलिए हमारे क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि घूमर। इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, जो कि इस प्रकार है, कौन सा लोक नृत्य गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चकियार कुंतु, ऑप्शन बी ओटन तुल्लन, ऑप्शन सी कुड़ियाट्टम, या फिर ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी के ओटन तुल्लन।
इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड का पाई का है, ऑप्शन ए लोकगीत, ऑप्शन बी लोक नृत्य, ऑप्शन सी वाद्य यंत्र, या फिर ऑप्शन डी चित्रकला। तो साथियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि लोक नृत्य। तो साथियों, यह क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि यह आपको अच्छी लगी तो इस क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूले। इसी के साथ आप सभी से अब हम विदा लेते हैं। जय हिंद।